जैसा आपने जैसा आपने गाइड किया था उस हिसाब से अभी एक्चुअली बेटर अंडरस्टैंडिंग आ रहा है प्राइस एक्शन का कब लेना चाहिए कब नहीं लेना चाहिए आ, मेरा बस एक ही सवाल है आ, बाकी तो मेरा कोई सवाल नहीं है अगर एक लेवल हमने निकाला है बच्चे कोई भी लेवल आ, तो उस लेवल को अगर प्रीवियस डे टच होके प्राइस एक्शन वहां पे बनाए तो नेक्स्ट डे सेम लेवल वर्क करेगा क्या हाँ करेगा करेगा क्या ओके okay. तो प्रीवियस डे का हाई लो कंसिडर नहीं करना है उस दिन अगर एक लेवल है इसके नहीं हाँ बोली बोली हाँ क्योंकि एक एचडीएफसी आप ओपन करेंगे क्या शायद मैंने आपको भेजा भी था एचडीएफसी लिमिटेड हाँ एचडीएफसी लिमिटेड इसमें डे हाँ अब है, ये है। लेवल हाँ ये लेवल था अभी अगर फ्राइडे को मैंने इसमें बाई साइड ट्रेड लिया था वही एक लॉस हुआ था बाकी सारे ट्रेड्स मेरे प्रॉफिट में गए थे और वो भी वन परसेंट का प्रॉफिट मुझे हर एक ऑलमोस्ट ट्रेड में मिला है तो अगर थर्सडे के दिन देखोगे आप थर्सडे के दिन पूरा साइडवेज मार्केट था और उसके ऊपर आके क्लोज दिया ठीक है और अगर फ्राइडे को अगर आप ओपनिंग भी देखोगे तो निगेटिव था और हाँ यहाँ पर थोड़ा प्राइज एक्शन हुआ उसके यहाँ पर एक हाँ वहां पर देखो आपने जहां पर अभी कर्सर है आपका वही पे जो एक ग्रीन कलर का कैंडल है उसके ऊपर जब क्लोजिंग हुआ तब मैंने बाय किया था ठीक है आ, तो आ, ये सही था या गलत था तो इसमें मैं थोड़ा वन एस टू टू के लिए मतलब वन एस टू टू और ऊपर आया था बट वन एस टू थ्री के लिए नहीं गया वो पूरा वन परसेंट के लिए नहीं गया टेक्निकली <coughs> ते, सही है पूरा ट्रेड आपका टेक्निकली पूरा ट्रेड सही है कोई गलती नहीं है इसके अंदर ओके okay. एक मैंने चीज ऑब्जर्व की अगर 915 के नीचे आप बाय कर रहे हो तो थो थोड़ा ज्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ता है exactly. क्योंकि जो हाँ जो आपका यहाँ पर थोड़ा लेफ्ट साइड में राइट साइड में एक बड़ा सा ब्लैक कैंडल बन रहा है देखो उसी वक्त मुझे एग्जिट होना चाहिए था यहाँ पर दो ग्रीन हाँ यहाँ पर यहाँ पर या फिर उसके बाद एकदम बड़ा सा बन रहा है देखो और और थोड़ा राइट साइड और राइट हाँ ये वाला ये कैंडल जब बना तब तो मेरा दिमाग में था कि एग्जिट होना चाहिए क्योंकि ये सपोर्ट्स ब्रेक कर रहा है तो ये थिंकिंग से अगर 915 के नीचे क्या कैंडल है तो कैसे ट्रेड करें फिर बहुत ज्यादा ओवर एनालिसिस मत कीजिए टेक्निकली आप इस स्टॉक के अंदर बिल्कुल सही हो हां हाँ है ना स्टॉप लॉस गया कोई बात नहीं सिर्फ एक स्टॉप लॉस एचडीएफसी के अंदर चले जाने से जबकि आप टेक्निकली सही हो तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा मत सोचिए ओके हां ओवर एनालिसिस से बचिए पूरा परफेक्ट ट्रेड है एक चीज जो लास्ट कुछ क्लासेस में हम ऑलरेडी आपको बता रहे हैं कि 915 के नीचे अगर मार्केट ब्रेक होती है तो मार्केट कोशिश ये करती है कि 915 के नीचे ही ये क्लोजिंग भी दे हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक, करके अगर हम खुद भी स्ट्रेट के अंदर बैठे होते हैं, तो हम अपने स्टॉप लॉस ही दे देते करेक्ट आई थिंक ये मेरा गलती था गलती आ, नहीं बोलेंगे इसको कोई गलती नहीं है सही ट्रेड है आपका हाँ, हाँ, नहीं।

लास्ट जो चैप्टर्स हमने पढ़ाए थे उन चैप्टर्स को लेकर के किसी तरह का कोई या जो हमने करने के लिए दिया था प्रैक्टिस के टाइम में अगर कुछ या या कंफ्यूजन हुआ हो तो पहले उसको हम लोग क्लियर करेंगे जो आपको बताया था दीजिए अगर कुछ अगर इशू हुआ दीजिए सभी लोग माइक वन म्यूट कर देंगे आपका आसिम आसिम माइक म्यूट कीजिए जी आसिम बोलिए डाउन वाला जो का हाई या लो, पिछले किसी स्विंग के लगभग मिलना चाहिए, ऐसा ही हाँ। जो पास में मार्किंग कर रहे हो पास में आपको वो कैंडल्स पहुंचा रही जो क्लास में आपको बताई हैं तो वही मार्किंग आपकी सही होगी स्विंग के पास में अगर आपको आपकी वो कैंडल्स पहुंचाती है तो किस डायरेक्शन में ये, प्राइस ये।, ये भी समझने ही नहीं आपको भी जितना काम ने दिया सिर्फ उतना कीजिए किस डायरेक्शन में प्राइस जाएगा ये तो दूसरी चीज हो गई अभी जो हमने आपको बताया है कि एक रेंज जैसे हिंद पेट्रो है हिंद पेट्रो के अंदर आपको ये रेंज हमने मार्क करना बताया आपका काम भी सिर्फ इतना है कि प्राइस के अंदर जो एक्टिविटीज हो रही है क्या इस रेंज से हो रही है या नहीं हो रही ये नीचे जाएगा या ये ऊपर चला जाएगा ये कॉन्सेप्ट अभी यहाँ तक हम लोग पहुंचे ही नहीं है धीरे धीरे चलिए ना स्टेप बाय स्टेप राजा माइक नोट कीजिए हेलो सर जी राजा बोलिए सर मेरे को सर ये तकलीफ हो रहा है सर मार्क सर कहाँ पे करे कौन पॉइंट पे सर जब सर वॉल्यूम लोहर से हम जो मार्क कर रहे हैं उससे स्विंग हो रहा है बीक हो रहा है तो सर मार्क कहाँ पे करे यही सर थोड़ा डाउट हो रहा है मेरे को. कौन से स्टॉक को आपने मार्क करने की कोशिश की जिसमें डाउट हो बताइए स्टॉक का नाम बताइए सर बिक्रो सर मैंने बिक्रो में किया था तो उसमें सर मेरा सर यही बोलना था जो उससे जो वीक होता है ना जो सर लाइन का जैसे नीचे ओपनिंग या क्लोजिंग होता है तो मार्क हाँ पे, करे, मेरे को सर पे मारू या कहा थोड़ा डाउट कैंडल का जो लो पॉइंट होगा आप वो लो पॉइंट को मार्क कर लोगे बस ना ओपन ना क्लोज या तो लो मार्क करोगे या फिर हाई मार्क करोगे ओके सर ओके और कोई एरिया मार्क नहीं करना है आपको सिर्फ या तो लो या फिर हाई और सर दो न, सर हम तो सर दो वॉल्यूम को मार्क करते हैं सर दो कैंडल को राजा मार्क न, आपका म्यूट हो गया वापस हाँ बोलिए सर सर दो कैंडल पे लो पे ही मार्क करेंगे हम लोग हाँ हाई पे लो। या लो पे हाँ हाँ या तो लो मार्क होगा या फिर हाई मार्क होगा क्लोज और ओपन प्राइस मार्क नहीं करेंगे Oh, okay. hmm. आज के हम देखेंगे कि इस एक इम्पोर्टेंट कैंडल होती है प्लेस ऑफ दिस ये किस जगह पर मिलती है और इसका इम्पोर्टेंस क्या होगा देखिए हम एक बार फिर से आप लोगों को बता दें हम धीरे 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 करके हम आगे बढ़ जाएंगे और इस चीज का को कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की एक चैप्टर पढ़ा देने के बाद पूरा वीक हम आपको की कम कम से कम उस चैप्टर लगातार लगातार प्रैक्टिस करो लगातार प्रैक्ट। आप लोग खुद सोच करके देखो कि जितनी जो चीज हमने आपको लास्ट सेशन में बताई है क्या ऐसा हो सकता है कि उसके ऊपर डाउट ना निकले अभी अपने क्लास में कितने लोग हैं एटीन एटीन लोगों के अगर एक एक भी क्वेश्चन हम लोग हमें अगर मिलते तो एटीन लोगों के क्वेश्चन का मतलब हो गया कि अठारह क्वेश्चन मेरे पास आ गए

सिर्फ एक इंपॉर्टेंट कैंडल नहीं होगी अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर चले जाएं, बताएंगे सिर्फ अभी एक कैंडल के बारे में लेकिन यहाँ पर हमें टोटल कितनी कैंडल्स मिलती है एक तो कुल मिलाकर के फाइव इंपॉर्टेंट कैंडल बनती हैं। लोअर टाइम फ्रेम की बात हम कर रहे हैं लोअर टाइम फ्रेम पर पांच इंपॉर्टेंट कैंडल बनती है हमारी जिसमें से आज के दिन हम आपको एक इंपॉर्टेंट कैंडल के बारे में बताते हैं सिर्फ एक कैंडल के बारे में उसी में थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा और चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके चार्ट्स के ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा देखिए इंपॉर्टेंट कैंडल को निकालने का आ, रीजन ही क्या है क्यों ही निकालना है इसको अगर हमें ट्रेड भी एग्जीक्यूट करना है तो इस इंपॉर्टेंट कैंडल को निकाल करके ऐसा क्या होगा कि हमारे ट्रेड्स में वो हेल्प कर देगा एक्चुअली होता है क्या है ना जो इंपॉर्टेंट कैंडल होती इंपॉर्टेंट कैंडल को इंपॉर्टेंट बनाता क्या है नेक्स्ट सेशन में लास्ट ट्रेडिंग सेशन की वो इंपॉर्टेंट कैंडल एक काफी अच्छा रिजेक्शन दिखाते कोई भी एक कैंडल है मान लीजिए अगर ये मेरी एक इंपॉर्टेंट कैंडल है हमने इसका हाई लो कुछ भी हमने माँ कर लिया हमें मालूम है कि प्राइस अगर हमारी इस कैंडल से टकराई गई अगर इस कैंडल से टकरा गई तो आपको इस वाली जगह से रिजेक्शन देखने को मिल जाएंगे इसीलिए हम लोग निकालते हैं इसको क्योंकि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर के जो मूवमेंट्स हैं या फिर रिजेक्शन है वो इस कैंडल के ऊपर काफी डिपेंड कर जाते हैं इसका यूज आप कैसे कर सकते हो टारगेट के लिए आप इसका यूज कर सकते हो या फिर हो जाएगा लेकिन कुछ कंडीशंस हैं अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझिए कि एंट्री के लिए भी इसका यूज हो हो सकता है कुछ कंडीशंस में तो एंट्री के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो इस तरह से स्टॉप लॉस हो गया टारगेट हो गया एंट्री पॉइंट हो गया या फिर सिंपल रीडिंग के लिए भी इस कैंडल का यूज हो सकता है इसी तरह से अगर ये कैंडल हम आपको बता रहे हैं तो इस एक कैंडल का इंपॉर्टेंस हमें मालूम है क्या है कि प्राइस के अंदर रिजेक्शन आपको यहां से देखने को मिल सकता है तो क्या अगर मान लीजिए ट्रेड एग्जीक्यूट भी करने जा रहे हैं तो उस कैंडल के थ्रू हम प्राइस की रीडिंग भी कर सकते हैं एंट्रीज के लिए भी अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो वहां से एंट्रीज कर सकते हैं टारगेट की प्लानिंग करें तो टारगेट लगा सकते हैं या फिर स्टॉप लॉस है तो स्टॉप लॉस के लिए वहां पर प्लानिंग कर सकते हैं इसलिए हम इस एक कैंडल को काफी इंपॉर्टेंस देते हैं अब प्राइस की एक या तो हम लोग ट्रिजेक्ट्री लाइन ड्रॉ कर लेते हैं या तो हमारा प्राइस जो मूवमेंट होती है प्राइस की मूवमेंट या तो हमें अप से डाउन शो करेगी मार्केट टू डाउन या फिर डाउन टू अप। दो की या तो रहा है या फिर डाउन साइड की तरफ यहाँ तो, तो प्राइस ने क्या किया एक लो लगा दी और एक ये हाई लगा दिया इवन एक हाई लगा दी और एक ये लो पॉइंट लगा दिया इसमें हुआ क्या कि प्राइस अगर डाउन से मेरा अप साइड की तरफ जा रहा था तो अप में जाते हुए प्राइस ने जिस जगह पर हाई लगाया

सेकेंड लास्ट कैंडल का जस्ट आप और वही इसका आप लुहेरिया मतलब break, जिस का करके नया हाई लगा, वो ये वाली कैंडल है इसका इफेक्ट आपको हाई टाइम फ्रेम पर भी दिखेगा आप विप्रो का चार्ट उठा करके देख लो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने ट्रेड किया थावेल्स को उठा करके देख लो आपको ये कॉन्सेप्ट आप नजर आ जाएंगे सेकेंड लास्ट कैंडल का हाई एंड लो हमने ये दो पॉइंट मार्क किए वैसे ही प्राइस जो हमारा नीचे की तरफ गिर रहा है यहाँ पर देखिए हम कोई विक मार्क नहीं करे उसको थोड़ा सा कंसिडर करते हुए चलिएगा अब यहां पर क्या हुआ कि प्राइस ने हाई से लो की तरफ का एक मूवमेंट दिखाया है हाई टू लो में हमें क्या करना होगा जो कैंडल का जिस कैंडल ने लो लगाया प्राइस अगर नीचे की तरफ गिर रहा है अभी इसमें भी आप लोगों को हो सकता है दो तीन लोगों को कंफ्यूजन हो कुछ लोगों को कंफ्यूजन में भी हो सकती है कि प्राइस लो से हाई की तरफ जा रहा है ये कैसे पता चलेगा और हाई से लो की तरफ आ रहा है ये कैसे पता चलेगा है ना बहुत छोटी छोटी चीजें हो सकता है ना हो लेकिन भी चलिए चार्ट के ऊपर जब प्रैक्टिस करेंगे तो हम बता देंगे आपको अब यहां प्राइस ने क्या किया है? हाई से लो लगाया लो कौन सी कैंडल जिसने लो लगाया वो ये वाली कैंडल है अब हमें ये देखना है कि ये कैंडल कौन सी कैंडल लास्ट कौन सी कैंडल है जिसका लो ब्रेक करते हुए प्राइस ने यहाँ पर लो लगाया तो वो ये वाली कैंडल सेम लो ये दो पॉइंट हम मार्क कर लेते हैं इसके। ये एक हमने आपको एक चीज बता दी कि किस तरह से इस एक कैंडल का लो हाई और यहाँ पर लो और हाई हमने मार्क किया अब यहीं पर आप लोग देखोगे कैसे हम लोग इस कैंडल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं लेकिन अब ये चीज आपको मालूम है कि हाई एंड लो हम एक किसी भी एक कैंडल का मार्क कर ले रहे हैं अब देखिए क्या हो रहा है अगर प्राइस हमारा लो से हाई की तरफ जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर लो भी तो लगा और हाई भी लगा लो की तरफ प्राइस गिर रहा तो कहीं ना कहीं तो उसके अंदर हाई लगा और ये कि लो लगा हम लोग क्या कंसिडर अभी क्या कंसिडर कर रहे हैं हम लोग किसी एक कैंडल का लो पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं इसी तरह से यहां पर आपकी जो कैंडल हाई लगा रही है मतलब एक हाई से प्राइस हमारा नीचे की तरफ गिरा तो अभी हमने आपको क्या बताया कि कौन सी कैंडल ऐसी है जो लो लगा रही है और यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कौन सी ऐसी कैंडल है जो हाई लगा रही है और उस हाई लगाई हुई कैंडल को कौन सी कैंडल ने ब्रेक किया है वो कैंडल मेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगी मतलब के यहां पर इस एक कैंडल ने हाई लगाया कौन सी कैंडल ये वाली और इस हाई लगाई हुई कैंडल को किसने सबसे पहली बार ब्रेक किया है नीचे की तरफ तो ये वाली कैंडल हम लोग क्या करते हैं सिंपल इसका हाई एंड ये मार्क करने की कोशिश करते हैं ये इम्पोर्टेंट हो जाता है अभी के लिए क्योंकि ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो सिंपल वे में समझ में आ जाए इसलिए हम लोग काम करेंगे कि इस वाली कैंडल को छोड़ देंगे सिर्फ प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ जब गिर रहा होगा तो डाउन साइड की तरफ के एरियाज़ को हम मार्क कर लेते हैं इतना सा काम हम लोगों को करना है एक तो ये वाली कंडीशन अपनी हाई की तरफ जब प्राइस हमारा जा रहा है उस केस में जो एक कैंडल हम लोग मार्क करते हैं अगर तो ये मान लीजिए अप ट्रेंड की मार्केट से हमने इस कैंडल को फाइंड किया है कि प्राइस का हाई एंड लो इस केस में जो कैंडल का हाई होता है यहां से आप कई बार देखोगे कि जो प्राइस के अंदर के मूवमेंट से इवन अगर प्राइस को अप साइड की तरफ भी जाना है तो भी और लो की साइड में गिरना है तो भी इस एक कैंडल का ये हाई इंपॉर्टेंट और हाई के पास से देखोगे जो प्राइस के अंदर के मूवमेंट से या इवन प्राइस का जो कैंडल हाई बना रही है उस कैंडल के हाई के पास से अगर हाई के पास से अगर प्राइस सपोर्ट को ब्रेकआउट कर दी तो वो नीचे के डाउनफॉल आपको दिखा देगी नीचे नीचे की तरफ गिरता वो दिख जाएगा या फिर प्राइस अगर हमारा अप साइड की तरफ जा रहा है लो से ये वो कैंडल है जिसने हाई से लो की तरफ का प्राइस की मूवमेंट हमने निकाला है मतलब प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा था और ये वो कैंडल है सेकेंड लास्ट कैंडल जिसका कि हम लोग लो, लो मार्क करते हैं प्राइस अप ट्रेंड में है हम कैंडल का हाई मार्क कर लेंगे प्राइस डाउन ट्रेंड में है हम इंपॉर्टेंट वाली कैंडल का लो पॉइंट मार्क प्राइस के अंदर के जो मूवमेंट्स होंगे आप देखिएगा कि इस एक जगह से प्राइस कुछ ना कुछ मूव करने की कोशिश करता है और यहां से प्राइस के अंदर के डाउनफॉल आपको समझ में आए बहुत छोटी सी सिंपल सी चीज है बस ये याद रखिए कि इस एक कैंडल का इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस uh, बहुत इस एक कैंडल के अलावा चार और कैंडल्स हैं लेकिन एक साथ बता देना मतलब डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा वो इसलिए धीरे धीरे करके एक एक करके बताएंगे अभी के लिए ये याद रखिए अभी जो आप आज की रात या फिर कल कल के दिन जो प्रैक्टिस करोगे वो इस एक कैंडल के ऊपर करो हाई से लो और लो से हाई प्राइस अगर अप साइड में जा रहा है तो आप उस कैंडल का हाई मार्क कर लोगे प्राइस अगर डाउन साइड की तरफ गिर रहा है तो आप उस कैंडल का लो पॉइंट मार्क कर लोगे बट ये याद रहे कि हाई एंड लो बोथ आर इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे हमारे आई होप के सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे अभी चार्ट्स के ऊपर चलते हैं और चार्ट्स समझने की कोशिश करेंगे चलिए इसको देखिए यहाँ पर प्राइस का जो ट्रेंड है किस साइड में है एक हाई लगा है सबसे पहले और बाद में इस जगह पर इसने लो लगा दिया यहाँ पर प्राइस हमारा लो लगा रहा है ये वाली जो कैंडल है ये लो लगा रही है मतलब कि ये मालूम पड़ गया है कि प्राइस लोअर साइड में है और हाई से लोस की तरफ गिर रहा है ओके लो किसने लगाया है इस वाली कैंडल ने बट यहां पर देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल इसने लो तो लगाया है बट कौन सी कैंडल का लो इसने ब्रेक किया है इस एक कैंडल का क्या क्लोजिंग कर पाया नहीं कर पाया हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट होता है वो या तो हम क्लोजिंग कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस देखते हैं अगर प्राइस के अंदर के ब्रेकआउट हम लोग देख रहे हैं तो क्लोजिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी तो इसने क्या किया ना क्लोज नहीं कर पाया अब हम ये देखना चाहते हैं अगर इस ब्लैक वाली कैंडल को मार्क किया जाए तो क्या इसके नीचे किसी कैंडल ने क्लोजिंग की

या जो प्राइजेक्शन है वो आपको हाई एंड लो दोनों के पास से दिख जाएंगे लेकिन अगर प्राइस की तरफ जा रहा है क्योंकि ये वो कैंडल थी हाई प्राइस इसके बाद में गिर गया ये सबसे लास्ट लास्ट स्विंग है है जो ट्रेडिंग सेशन में लगा है। अब अगर हम इसको मार्क कर लेते हैं तो क्या होगा कि अगर प्राइस को अप साइड की तरफ निकलना है तो ये यहीं से निकल जाएगा और नहीं तो अगर इसे गिरना है क्या करेगा कि ये सबसे लास्ट सपोर्ट एरिया था ना अपना सबसे लास्ट सपोर्ट एरिया प्राइस अब क्या करेगा कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के फॉर्म फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए प्राइस का अगर ये सपोर्ट एरिया है ये वाला एरिया इसके नीचे प्राइस मार्किंग की मतलब गिरा वापस से प्राइस हमारा अपसाइड की तरफ जा और फिर से नीचे की तरफ गिर जाए ये मूव ये कर सकता है बट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हुआ क्या है कि मार्केट फिर इस वाली कैंडल के नीचे गई ही नहीं और यहां से सीधे ऊपर की तरफ चली गई और यहीं के इसने क्लोजिंग कर दी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में देखिए क्या हुआ नाइन फिफ्टीन की जो ओपनिंग है थोड़ा सा ओपनिंग है हाई और लो दोनों ही ब्रेक हुए बट हमें तो बाद में क्या देखना है कि प्राइजेस के अंदर की जो मूव्स हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें कहा से देखने को मिलते हैं मतलब प्राइस हाई से लो की तरफ गिरा है. इस केस में हम लोग क्या करते हैं लो को मांग करते हैं अब अगर इस जगह पर एक चीज देखनी होती है हम अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो यहां से कैसे होंगे आपको उस तरह के प्राइजेक्शन यहाँ पर देखने पड़ेंगे ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाले प्राइजेक्शन यहाँ पर देखने पड़ते हैं अभी हम लोग किस चीज के ऊपर किस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं प्लेसिंग आखिर वो कौन सी जगह होती है कि प्राइस के अंदर के जो मूव्स होते हैं वो निर्धारित किए जाते हैं कौन कौन से ऐसी जगह होती है जहां पर प्राइसेस के अंदर के जो मूव्स बड़े मूव्स देखते हैं वो एक्चुअली इन्हीं पॉइंट से निर्धारित होते हैं आपके यहाँ पर देखिए जो प्राइस हमारा गिरा है वो इस वाली कैंडल के ऊपर नहीं जा पाया वरना ऐसा क्या था कि प्राइस हमारा ऊपर तक तो क्या क्लोजिंग भी कर देता नहीं किया ये इस एक कैंडल के हाई से ही सीधे नीचे की तरफ गिर गया आपको लग रहा है ना कि अगर हम इस एक इंपॉर्टेंट कैंडल को भी मार्क करना चाहें तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कितना इसने सपोर्ट कर दिया है हमको और प्राइस वहीं से गिर गया और उसके अगले दिन प्राइस देखिए यहीं से आपका सीधे ऊपर की तरफ मतलब कि ये एक एरिया हमको मिल गया और उसके बाद नाइनटीन अक्टूबर को क्या हुआ प्राइस ने फिर से हमें डाउन मूव ही दिखाया ऊपर से नीचे की तरफ ये गिरा यहाँ तक इसके बाद में लो कहाँ पर लगे हैं आपके आ, हाई ये लो पॉइंट बन गया यहाँ पर लोज लग गया प्राइस सीधे सीधे गिरता हुआ चला रहा है एक ये एरिया और एक ये पॉइंट मतलब के अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ उसको मार्क करेंगे तो ये वाला एक पॉइंट बन जाएगा और इसके नीचे तो क्लोज हुआ ही नहीं है लोज यहाँ पर लगे हैं अपने प्राइस अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो मार्किंग करेंगे नहीं इस जगह पर जो इंपॉर्टेंट कैंडल बनेगी मेरी वो ये ब्लैक वाली कैंडल बनेगी हम लोग क्या करते हैं क्योंकि प्राइस हमारा ऊपर ऊपर से से नीचे नीचे की की तरफ तरफ ही आया है गिरा मतलब कि ये सबसे लास्ट सपोर्टिव कैंडल है हमारी जिस कैंडल ने सपोर्ट बनाया है मेरा है ना यहाँ पर हमें क्या मिला नाइनटीन ऑफ अक्टूबर का सपोर्ट पॉइंट मिल गया कि प्राइस ने इस वाली कैंडल को ब्रेक कर देने के बाद में इस कैंडल को किसने ब्रेक किया

और सीधे ऊपर का काम क्या है वो जगह निकालना जहां से प्राइस के अंदर की मूवमेंट्स हो रही हैं बड़ी मूव किस किस जगह से हो रही हैं तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन की ये वो इंपॉर्टेंट कैंडल है जिसको कि अगर आप मार्क कर लोगे तो नेक्स्ट सेशन में देखोगे कि प्राइस के अंदर प्रा� की